सपोज आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट, एक और करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट, और यहां पे ये जो सेकंड वायर है वो पतली नहीं है, वो थिक है, देख रहे हो, थिक वायर है, हालांकि पीछे मोटाई नहीं है, बस फ्लैट है, ऐसा करंट कैरिंग वायर है। जबकि हमने जितने भी पैरेलल वायर्स की उसमें वो थिन वायर्स हैं, और हमने क्या निकाला, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला था। क्वेश्चन इसमें भी यही है, वो ये कह रहा है ये जो वायर है, रादर जो शीट है, वायर कहाँ है, पूरी शीट है रेक्टेंगुलर, इसका लैम्डा गिवन है, लैम्डा का मतलब इसमें कितना करंट है, आई टू करंट है, और कितनी लेंथ में करंट है, बी लेंथ में करंट है, तो आई टू करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बी लेंथ, तो इसकी रेशियो क्या गिवन है, लैम्डा। आपको क्या निकालना है, आपको इसमें दोनों वायर्स का फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है। फोर्स पर यूनिट लेंथ जो हमें आता है वो थिन वायर्स का आता है, तो एक काम करते हैं, ये तो थिक वायर है, इसमें से पतली सी वायर का पोर्शन ले लो, लो ये वो पोर्शन ले लिया जो थिन है, राइट, तो इसकी विड्थ कितनी ली, dx, और ये पोर्शन इस वायर से कितनी दूरी पे लिया, x। ये वायर की स्टार्टिंग यहां से a है और एंडिंग यहां पर b है, a प्लस बी, मतलब यहां से ये डिस्टेंस a है, यहां से ये डिस्टेंस a प्लस बी है, राइट, तो ये वो वायर है। आप ये बताओ कि इस वायर में करंट क्या होगा, इसमें पूरी वायर में लैम्डा का मतलब क्या होता है, करंट पर यूनिट विड्थ, हाँ चलो लेंथ, ओके, चौड़ाई विड्थ, लंबाई एरी, तो उसकी चौड़ाई के हिसाब से करंट है, तो लैम्डा का मतलब कितना करंट है, आई टू, ओके, आपके हिसाब से पर यूनिट लेंथ, मेरे को करंट कितने पोर्शन में निकालना है, डी एक्स विड्थ में या डी एक्स लेंथ में, तो लैम्डा को डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पोर्शन में करंट आ जाएगा, स्मॉल करंट आएगा, ठीक है, तो आप इसमें और इसमें लगा सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई वन, आई वन तो थिन वायर है लेकिन जो स्ट्रिप ली थी उसका करंट कितना है, लैम्डा इंटू डी एक्स, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दोनों में कितना है, एक्स, राइट, तो लैम्डा किसके इक्वल है, आई टू बाई बी, लैम्डा की जगह पुट कर देते हैं आई टू बाई बी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल फोर्स आ गई। और अगर आपको टोटल फोर्स निकालनी है तो यहां से यहां तक, तो ए से लेके ए प्लस बी की क्या लगा देनी है, लिमिट, तो ये आपने लिमिट लगा दी ए से लेके ए प्लस बी, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू आई वन इंटू आई टू डिवाइडेड बाय बी इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहां पर 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, कहां से कहां तक, ए से लेके ए प्लस बी तक, तो यहां से म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 इंटू आई वन इंटू आई टू बाय बी, एक बार x की जगह क्या पुट करेंगे, a प्लस बी, एक बार x की जगह क्या पुट करेंगे, a, तो log ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस log ऑफ सेकेंड टर्म इज log ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, तो log ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय a, आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है यहां तक, तो ये आपके पास आंसर आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहे दो परपेंडिकुलर वायर्स हैं, एक वायर ये जा रही है आई वन इनफाइनाइट, एक वायर यहां जा रही है आई टू इनफाइनाइट, आपको क्या निकालना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स जहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन बी जीरो है। अब नॉन मेडिकल वाले फिर भी समझते हैं कि लोकस लोकस क्या होता है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना, आप मेडिकल के लोग समझें वो लोकस है, तो आपको इसमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है। एक्स और वाई क्या चीज है, मान लो कोई पॉइंट आप लेते हो यहां पे पी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, एक्स का मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस एक्स और ये कितना वाई, वो कह रहे हैं कि इन दोनों वायर्स की वजह से यहां पर नेट बी कितना आता है, जीरो। आप मुझे एक बात बताओ, ये करंट कैरिंग वायर बी यहां पर कैसे जनरेट करेगा, आउटसाइड कितना करेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई वन बाय वाई, और ये करंट कैरिंग वायर बी कैसे जनरेट करेगा, यहां पर इनसाइड कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई टू बाय एक्स, पर वो क्या कह रहा है, नेट बी क्या चाहिए, जीरो। तो दोनों फील्ड को आपस में इक्वेट कर दें, एक इनसाइड है एक आउटसाइड है, दोनों को मैंने इक्वेट किया, कैंसिल किया, ये इक्वेशन आ गई, तो मेडिकल के लोग समझ लें ये लोकस ऑफ ऑल दी पॉइंट्स हैं।
लोकस का मतलब है आप चाहे वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे लो, चाहे यहाँ पे लो, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे लो, ये इक्वेशन हमेशा वैलिड है। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर नेट भी क्या आएगा, जीरो। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक। जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम है, इसमें कितनी वायर्स हैं, तीन वायर्स हैं, तीनों में करंट है 30, 10, 20 और डिस्टेंस आपको गिवन है 3 और 10। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, आपको इसमें वाई जो वायर है, वाई वायर की 25 सेंटीमीटर के ऊपर फोर्स निकालनी है। वाई वायर इनफाइनाइट है पर आपको इसका सिर्फ 25 सेंटीमीटर पे फोर्स निकालनी है। अच्छा ये बताओ, पैरेलल वायर्स हैं 30 एम्पियर और ये करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इसे क्या करेगा, रिपेल। ओके, तो ये आपकी पहली फोर्स है F1। F1 निकलेगा कैसे, F1 निकलेगा F1 डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरे को फोर्स 25 पे निकालनी है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 इंटू करंट की वैल्यू कितनी है 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय कितना 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो सॉल्व करके F1 आ जाएगा। सिमिलरली ये और ये करंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये इसे क्या करेगा, तो फिर से F2 बाय 25 फोर्स पर यूनिट लेंथ लगा के F2 आएगा। तो एक राइट फोर्स है, एक लेफ्ट फोर्स है, और नेट फोर्स क्या होगी, बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसमें कोई कहे कि सर इसने इस पे फोर्स लगाई, पूछ कौन रहा है, उसे नेट फोर्स किस पे पूछी, वाई पे, तो सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, वाई पे। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये देखो, ये क्वेश्चन ट्राई करना प्लीज एक बार। वायर पी क्यू आर, मेंस की प्रॉब्लम है, मेंस में आई हुई है, वायर पी क्यू आर है, ये फिगर गिवन है, 45 डिग्री गिवन है, आपको फोर्स पी क्यू पे, फोर्स क्यू आर पे निकालनी है और दोनों को डिवाइड करके आंसर बताने का आंसर है। सर 1:1 है, सेम फोर्स है, देखो कैसे, नहीं नहीं शॉर्टकट कोई नहीं है, कहीं सोचो कैसे करके देखना पड़ेगा कैसे। सबसे पहले पी क्यू की बात करते हैं, पी क्यू के ऊपर अगर हम फोर्स निकालें तो पी क्यू के ऊपर जो फोर्स आ रही है वो कितनी आ रही है बताओ, एफ ऑफ पी क्यू, बोलो बी आई लेंथ कितनी, पी क्यू साइन ऑफ कितना, 90, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये बी है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, करंट ऐसे है और बी ऐसे है, तो एंगल बिटवीन देम इज 90। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, एक आंसर आ गया। नेक्स्ट, फोर्स क्यू आर पे क्या होगी, क्यू आर, चलो चेक करते हैं, बी आई क्यू आर में डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, ये लेंगे क्यू आर, राइट, और बी क्या लेंगे, ये लेंगे, तो एंगल इनके बीच में कितना है, 45, तो क्यू आर इंटू साइन ऑफ 45। क्लियर है यहां तक? अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैंने ज्वाइन कर लूं तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में
कॉस ऑफ 45 की वैल्यू क्या होगी? पी क्यू, पी क्यू डिवाइडेड बाई कितना? क्यू आर। ठीक हो गया। तो एक बात बताओ, इसके अंदर क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी? क्यू आर विल बी इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 45। यहाँ पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ क्यू आर विल बी इक्वल टू बी आई, क्यू आर की जगह कितना? पी क्यू कॉस ऑफ 45 इन टू साइन ऑफ, अरे दोनों वैल्यू सेम ही तो होती हैं, तो फोर्स क्या आ गई? बी आई पी क्यू, पहले क्या आई थी? बी आई पी क्यू डिवाइड करो, आंसर 1:1। बस ये उन्होंने ऐसी प्रॉब्लम पूछ रही है, और ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। जैसे जैसे ये क्वेश्चन है, आप इस चीज़ का आंसर दें कि अगर आपके सामने कोई ऐसा सर्कुलर लूप है, ठीक है, अगर आपके सामने कोई सर्कल है, सर्कुलर लूप है, ये लो सर्कुलर लूप है, करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट 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 का मतलब आउटसाइड है, ठीक है, आउटसाइड है, और इसमें जो करंट है वो ये रहा करंट, ये करंट है। बोलो ये लूप एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा? करंट कैरिंग वायर लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा? होगा होगा, कुछ तो होगा। जी बोलो, एक्सपैंड करेगा, ओके चेक करता हूँ मैं। सबसे पहले एक काम करो, इसका एक एलिमेंट लो, मान लो इसकी एल लेंथ है, फ्लेमिंग का रूल लगाओ, बी कहाँ पर है? बोर्ड के बाहर। करंट कहाँ पर है? ऊपर। तो फोर्स कहाँ पर है? आउटसाइड। बी करंट फोर्स आउट, ये रहा। अच्छा चलो ये लेते हैं, ये लेंथ ले लें एल, बी कैसे है? इधर। करंट कहाँ पर है? इधर। फोर्स कहाँ पर है? नीचे। ये लो फोर्स, आप जहां मर्जी फोर्स लगा लो एल लेके, फोर्स कैसे आएगी? बाहर की तरफ। फ्लेमिंग का रूल, बी कहां पर है? ऐसे। करंट कहां पर है? ऊपर, ऐसे बाहर आएगी। अपने लूप पे लगाओ ना, कॉपी घुमा घुमा के लगाओ, मेरे बोर्ड पे कैसे लगाओगे? तो फोर्स बाहर आएगी, एक्सपैंड करेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, फ्लेमिंग का रूल कैसे यूज होगा इनमें? ठीक है, जैसे ये देखो, मैंने आपको आज क्वेश्चन करवाया था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है और ये इसके परपेंडिकुलर वायर पड़ी हुई है, तो ये वायर इस वायर को कैसे रोटेट करेगी इन ट्रांसलेशन एज वेल इन रोटेशनल। बस मैंने डायरेक्शन बता के छोड़ दिया, किसी ने कहा सर वैल्यू बताओ, फोर्स की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू तो पता ही नहीं, तो वैल्यू में क्या प्रॉब्लम है? यहां पर ये वायर ज्यादा फोर्स लगाएगी, यहां पर कम 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 कम, तो अपने को क्या करनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन। तो एक काम करते हैं, आपको ये लेंथ यहां से यहां का डिस्टेंस a बाई टू गिवन है, और यहां से यहां a प्लस a बाई टू 3/2 गिवन है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि i करंट है, तो आप सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे यहां पे dx। आप एक स्मॉल एलिमेंट लें dx, तो dx एलिमेंट x दूरी पे लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय एक्स, तो ये वैल्यू आएगी। अब ये बी यहां पे आया, यहां पर स्मॉल लेंथ dx है, फोर्स क्या होगी? बी आई लेंथ की जगह dx साइन 90, तो df आ गया। तो आप इस बी की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो ये टर्म आ गई, और फिर इंटीग्रेट करेंगे a बाय 2 से लेके 3 a बाय 2, तो आपके पास आंसर आएगा। तो ये मैं शीट को फिर से लिख के लाऊंगा प्रॉपर स्टेप्स के साथ, तो नेक्स्ट टाइम एक बार बताऊंगा कि कैसे, एक बार रिवाइज करवा दूंगा।
बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक ऑनलाइन